नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं आज का आशीष अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है YouTube मार्केटिंग कोर्स में। अभी तक आपने देखा कि हम लोग एनिमेटेड वीडियोस कैसे बनाते हैं, हम लोग वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोस कैसे बनाते हैं, वीडियोस बनाने के हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर, आपकी जो स्क्रीन है लैपटॉप की या डेस्कटॉप की, उसको रिकॉर्ड करके वीडियोस किस तरीके से बना सकते हैं। और ये सबसे आसान है, और आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ये एक ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो ही है। हम इस वीडियो को किस तरीके से क्रिएट करेंगे, किस तरीके से इसमें हम अपनी आवाज़ देंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे ना। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए या फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आज हम आपको बताने वाले हैं ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर होता क्या है। मैं आपको लेकर आया हूँ गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर आप ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर टाइप करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स निकल कर आ गए। इसमें से 90% सॉफ्टवेयर फ्री हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। इन सभी सॉफ्टवेयर में आप अपनी आवाज़ भी दे सकते हैं और साथ साथ में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर का नाम है इलेक्टा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इलेक्टा लाइव स्क्रीन रिकॉर्डर है। मैं इस स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करता हूँ। ये बिल्कुल फ्री है। आप जस्ट गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जस्ट गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे इलेक्टा ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर, आपको ये मिल जाएगा। जस्ट इसको आपको डाउनलोड करना है और फिर इसका आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक 5 सेकंड की वीडियो बना के दिखाता हूँ कि इससे वीडियोस कैसे बनती हैं। हम इलेक्टा लाइव स्क्रीन रिकॉर्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो एक नीचे की तरफ छोटी सी विंडो खुलेगी, पॉपअप विंडो। इस पॉपअप विंडो में आप देख रहे हैं न्यू, स्टार्ट, पोज एंड स्टॉप, 4 बटन्स हैं। अभी हमने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया इसलिए न्यू पर हम क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आते हैं, फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन एरिया रिकॉर्डिंग। आप चाहे तो पूरी स्क्रीन की रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीन का कोई एरिया आप माउस के साथ क्लिक करके, देख रहे हैं ये मैं कर रहा हूँ, आप कोई भी एक छोटा एरिया भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फुल एरिया ले लेता हूँ। आप चाहें तो वेबकैम ओनली रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आप स्क्रीन से कर रहे हैं लेकिन आप सिर्फ जो आपका लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पर जो वेबकैम लगा रखा है आपने उसी से वही यूज़ हो और कुछ यूज़ ना हो। आप इसमें 4 ऑप्शन से कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपना वाटरमार्क भी लगा सकते हैं, आप किस तरीके से वीडियो दिखानी ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें माइक की सेटिंग्स भी हैं, ऑडियो सेटिंग्स, रिकॉर्ड फ्रॉम माइक्रोफोन, रिकॉर्ड सिस्टम साउंड, सिस्टम के साउंड है वो रिकॉर्ड करने हैं या नहीं करने हैं, रिकॉर्ड बोथ माइक्रोफोन एंड सिस्टम साउंड्स। सो अगर आपको चाहिए कि सिस्टम के साउंड रिकॉर्ड नहीं करने हैं तो रिकॉर्ड फ्रॉम माइक्रोफोन ओनली करेंगे। अगर आपको सिस्टम के साउंड दिखाने हैं, माइक्रोफोन का यूज़ नहीं करना, तो रिकॉर्ड फ्रॉम सिस्टम साउंड्स करेंगे। लेकिन अगर आपको दोनों यूज़ करने हैं तो आप दोनों करेंगे। अब इसके बाद जो आप वीडियो बनाएंगे वो वीडियो सेव कहाँ होगी, उसके लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। ये 3 डॉट्स आप देख रहे हैं, मूवी फाइल, ये 3 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे। आपको जहाँ पर भी आपकी वीडियो सेव करनी है, लाइक अगर मुझे डेस्कटॉप पे सेव करनी है मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप पे क्लिक करके मैं फाइल का नाम दे दूँगा कि न्यू टेस्ट वीडियो। आप चाहें तो डी ड्राइव में, ई ड्राइव में या जहाँ पर भी आपका मन करे आप वहाँ पर इस फाइल को सेव कर सकते हैं। मैंने न्यू टेस्ट वीडियो के नाम से डेस्कटॉप पर यह फाइल सेव की, मैंने सेव बटन पुश किया। अब आप देख रहे हैं कि मूवी फाइल का नाम आ गया कि desktop/newtestvideo.avi। ये आपको avi फॉर्मेट में वीडियो क्रिएट करके देता है। अब ओके का बटन प्रेस करेंगे। जब ओके का बटन प्रेस करेंगे तो अब स्टार्ट का बटन आ जाएगा। स्टार्ट आपको प्रेस करना है। स्टार्ट जब प्रेस करेंगे तो ये 5 4 3 2 1 की बैक काउंटिंग दिखाएगा और जैसे ही 1 काउंट होगा उसके बाद से आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। और जब आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी उसके बाद आप जो भी बोलेंगे या जो भी स्क्रीन पे आपके चल रहा होगा वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा।
अब मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया कि फाइल कहाँ सेव होनी है, फाइल कहाँ सेव होनी है। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे ये दिखाना है कि ये वीडियो बनती कैसे हैं। अब ये वीडियो बनती कैसे हैं ये दिखाने के लिए मैं स्टार्ट बटन पर प्रेस करूँगा। जब मैं स्टार्ट बटन पर प्रेस करूँगा तो 5, 4, 3, 1 की बैक काउंटिंग होगी और बैक काउंटिंग के बाद आपकी वीडियो बननी शुरू हो जाएगी और आप जो भी बोलेंगे या जो भी आपके स्क्रीन पर नज़र आएगा वो आपके रिकॉर्डिंग में सेव होगा। तो मैं आपको एक छोटी सी 5 या 10 सेकंड की क्लिप बनाकर दिखाता हूँ। इसके लिए मैं स्टार्ट पर प्रेस करूँगा। स्टार्ट मैंने प्रेस किया। स्टार्ट प्रेस करने के बाद जब आपको बंद करनी होगी वीडियो तो कंट्रोल अल्ट एस दबाएंगे और स्टार्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी वीडियो। सो अभी मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं जो भी ओपन करूँगा, लाइक मैंने ये ओपन किया है या फिर मैं कोई, मैंने दो चीज़ें ओपन की, अब देखिएगा कि जो भी मैंने दो चीज़ें ओपन की हैं वो सब कुछ आपके वीडियो में नज़र आएगा। यहाँ पर से मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप करने से पूछा, योर रिकॉर्डिंग इज़ रेडी, डू यू वांट टू रिव्यू इट? हाँ जी, हम इस वीडियो को देखना चाहेंगे। सो हम येस का बटन प्रेस करेंगे। येस किया, अब देखिए ये वीडियो स्क्रीन आपको पीछे नज़र आ रही है और न्यू टेस्ट वीडियो के नाम से ये मेरी वीडियो है जो आपको नज़र आ रही है। ये आपकी वीडियो बनकर तैयार हो गई। आपके स्क्रीन पे जो भी चल रहा था, अगर आप एक्सेल फाइल खोलते हो उसमें कुछ लिखते हो, वर्ड खोल कर उसमें कुछ लिखते हैं, पेंट में कुछ बना रहे होते, तो सब कुछ आपको नज़र आ रहा होता आपके इस वीडियो में। आप अपनी दिमाग की सोच से, आप अपना क्रिएटिविटी लगाकर जितनी अच्छी चाहें उतनी बढ़िया वीडियो बना सकते हैं। वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है इसमें, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आती है और ये वीडियो आपके स्क्रीन पर सेव हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो सेव कहाँ हुई है। आप ये देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं न्यू टेस्ट वीडियो के नाम से ये वीडियो फाइल आपके डेस्कटॉप पर सेव हो गई। क्योंकि मैंने इसे डेस्कटॉप का पाथ बताया था तो ये डेस्कटॉप पर सेव हो गई। आप जहाँ भी सेव करना चाहेंगे ये फाइल आपकी वहाँ सेव हो जाएगी। तो कितना आसान है, आप ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो आज ही अपने डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। इसके कुछ मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, जैसे डी यू रिकॉर्डर है, मोबाइल पर भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा 2-3 सॉफ्टवेयर्स जिसके थ्रू कि आप मोबाइल पर भी आप ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो बना सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमें सुझाव दें कि हम आपके लिए और क्या अच्छा लेकर आ सकते हैं। आपकी जो भी सजेशंस होंगे या जो भी आप हमसे रिक्वेस्ट करेंगे वो सब चीज़ें मैं आपको फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।